अब ऑफिशियली भारतीय टीम एशिया कप से बाहर हो गई है, लेकिन कई सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, गुस्सा भी लोगों के मन में है कि जिस टीम को सबसे बड़ा कंटेंडर माना जा रहा था, रोहित शर्मा द हिटमैन, जिनको कि सबसे बड़ा कप्तान माना जा रहा था, आखिर क्या ऐसा किया कि भाई आपस में ही आप देखें कि सुपर फोर के दोनों मैचेस हारकर भारतीय टीम जो है वो बाहर हो गई है। लेकिन इसी को लेकर गुस्सा पूर्व कोच रवि शास्त्री का भी फूटा है और उन्होंने भी टीम के चयन को लेकर बड़ा सवाल उठा दिया है और उन्होंने कहा कि मैं बहुत नाराज हूं जिस तरीके से टीम का चयन किया गया, सेलेक्टर्स ने जिस तरीके से काम किया। उन्होंने कहा कि अगर आप जीतने के लिए खेलते हैं तो आप बेटर प्रिपेयर रहते हैं, यानी कि आपकी तैयारी भी अच्छी रहती है, लेकिन इस टीम में आप सोचिए कि किस तरीके से टीम बनाएगी जहां पर अगर एक खिलाड़ी को बुखार हुआ, बीमार हुआ, यानी कि आवेश खान की वो बात कर रहे थे, उसके बाद आपके पास ऑप्शन ही नहीं था कि किसी और फास्ट बॉलर को लेकर आए। रवि शास्त्री ने कहा कि क्या इस टीम में मोहम्मद शमी या दूसरे तेज गेंदबाजों की जगह नहीं बनती थी, जब आपको पता था कि भाई दुबई में आप मैक्सिमम मैचेस खेल रहे हैं, यूएई में इस समय स्पिनर्स के लायक उस तरीके के कंडीशन नहीं है, तो आपने मात्र 3 फास्ट बॉलर खिलाए अपने टीम में और चौथे हार्दिक पांड्या थे और स्पिनर्स को आपने भर लिया, क्या ये सही कॉम्बिनेशन था? यानी कि रवि शास्त्री का कहना है कि एक तो चयनकर्ताओं ने जो एशिया कप की टीम बनाई उसमें गलती थी और ऊपर से जो कॉम्बिनेशन हमने प्लेइंग 11 में खिलाए वो तो आपने देख ही लिया, क्योंकि आपके आवेश खान बीमार हुए तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचे और आप स्पिनर्स को लेकर आ गए। तो इसी को लेकर रवि शास्त्री ने कहा कि अगर आप जीतने के लिए खेलते हैं तो आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए, जो कि शायद इस समय भारतीय टीम की तैयारी हमें तो नजर नहीं आ रही है दूर दूर तक, ये स्पोर्ट्स टॉक का मानना है, और अगर तैयारी होती तो शायद इस तरीके से हम पाकिस्तान और श्रीलंका से हारकर बाहर नहीं जाते। क्या आपको भी लगता है कि टीम चयन में बहुत गड़बड़ कर दी गई है? आपको भी लगता है कि एक तो चयनकर्ताओं ने टीम गलत बनाई, ऊपर से जो कॉम्बिनेशन हमने खिलाई है वो भी गलत है? आपकी नजर में आखिर वो क्या वजह है कि भारतीय टीम एशिया कप से इस तरीके से बाहर हो गई है और आपको क्या लगता है कि किस सुधार की जरूरत है? आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन रवि शास्त्री की बात से आप एग्री हैं या नहीं है वो भी आप बताएं। उनका ये कहना कि भारतीय टीम जो है वहां पर एक और फास्ट बॉलर को होना चाहिए और टीम कॉम्बिनेशन में बेटर तरीके से खिलाड़ियों को इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए, जो कि नजर नहीं आया, आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।